हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम बिगर्स। काफी टाइम के बाद आज वीडियो आ रहा है, वो भी नाइट पे शूट कर रहे हैं हम। ठीक है, अब थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज था लाइफ में तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आज का टॉपिक है नॉर्वे का जो लाइसेंस होता है वो अप्लाई करने के बाद जब हम फी पे करते हैं उसके बाद कितने टाइम के बाद आता है। यूजली 11 मंथ्स लिखा होता है वेबसाइट पे, एल्टिन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, बट एक्चुअली हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर नॉर्वे लाइसेंस टू कम। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर चैनल में नए हो तो लाइक एंड कमेंट भी कर दो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नॉर्वे के लाइसेंस के लिए हमें कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। फॉर्म होता है एल्टिन का ऑफिशियल फॉर्म, वहां पे फॉर्म फिल करना है, उसके बाद फी पे करना है। ठीक है, मैंने जनवरी 22, 2023 यानी कि 2023 जनवरी 22 में अप्लाई किया था अपना ऑप्टोमेट्री का लाइसेंस। तो कितना टाइम लगा लाइसेंस आने के लिए? और पहले जब मैंने अप्लाई किया था तब फी था 1665 नॉर्वेजियन नॉक। नाउ फी हैज इंक्रीज्ड टू 3500 नॉर्वेजियन नॉक। आपके कंट्री के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लाइसेंस के लिए कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है नॉर्वे में ऑप्टोमेट्रिस्ट का। ठीक है, जब आपका लाइसेंस आएगा, लाइसेंस के बाद आपको जाके लैंग्वेज पढ़ना है, 2 साल तक वैलिड होगा लाइसेंस। जब आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियर करेंगे उसके बाद आपका लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए एक्टिव होगा वहां का। तो मेरा लाइसेंस नवंबर 6 में आ गया था, तब वीडियो नहीं बना पाए तो अब बना रहे हैं। ठीक है, तो कितना टाइम लगा? जनवरी 22 से नवंबर 6 यानी कि ऑलमोस्ट 10.5 मंथ्स। ठीक है, तो 10 महीने तो लगते हैं गाइस। यू हैव टू अप्लाई एंड वेट, कीप पेशेंस, काम रहना। ठीक है, और 10 महीने वेट करना पड़ता है। 10 to 11 मंथ्स के बीच में आ जाएगा आपको लाइसेंस आपका। और लाइसेंस कैसा होता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये लाइसेंस नॉर्वेजियन में लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है, आपको मेल आएगा, एक कंप्लीट मेल है, उसमें डिटेल्स में लिखा होता है आपको क्या क्या करना है फर्दर प्रोसेस। तो इसके बाद जाके वहां पे लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट है B2 लेवल वो क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद छोटा सा हेल्थ का एग्जाम होता है, उसका ट्रेनिंग भी होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए एक्टिव होता है। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट का एग्जाम देना नहीं पड़ता है, उसी तरीके से नर्सिंग का भी कोई एग्जाम नहीं होगा वहां पे। लैब असिस्टेंट, फिजियोथेरापिस्ट और रेडियोग्राफर जो PMIT पढ़ते हैं उन लोगों को भी कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। फार्मेसिस्ट, फार्मेसी को भी कोई एग्जाम नहीं होता है वहां पे। ठीक है, जो एग्जाम देना है वो जाके लैंग्वेज का एग्जाम देना है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू दुबई, इट्स बेटर टू मूव टू यूरोप देन दुबई। ठीक है, आप DHA देके गोवा में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, DHA MOH हार्ड देके, बट उससे बेटर है कि आप नॉर्वे जाए। बट द रिक्वायरमेंट इज लैंग्वेज का बैरियर है थोड़ा सा। ठीक है, वहां पे काम करते वक्त भी लोकल लैंग्वेज आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपके लिए कौन सा बेस्ट है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।